ये आगे बढ़ते एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। SBSP यानी कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मऊ में बैठक बुलाई है। घोसी लोकसभा चुनाव हारने के बाद समीक्षा की जानी है। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। ओम प्रकाश राजभर पार्टी के सभी नेताओं को 11 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचने को कह चुके हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जिन्होंने घोसी सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। ऐसे में अब इसी हार की समीक्षा करने के लिए, चिंतन मंथन के लिए बैठक बुलाई गई है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। घोसी सीट पर SBSP की हार, जिस पर आज मंथन किया जाना है, समीक्षा की जानी है कि आखिर वजह क्या रही इस हार की, जिस हार की कतई उम्मीद नहीं थी ओम प्रकाश राजभर को। अपने बेटे को घोसी लोकसभा सीट से इन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। अरविंद राजभर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के आगे हार गए। अब ये हार क्यों हुई है, इस हार की बड़ी वजह क्या रही, क्या कारण निकल कर आए, क्यों जनादेश नहीं मिला है, इसी बात के ऊपर चर्चा की जानी है, बैठक की जानी है। अभिषेक राय हमारे सहयोगी जानकारी देंगे इस खबर पर। अभिषेक, ये बैठक कितने बजे होनी है, महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है क्योंकि अरविंद राजभर जो चुनाव हारे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी, अब इसी पर चर्चा की जानी है, चिंतन किया जाना है, मंथन किया जाना है, बैठक की बड़ी बातें बताइए। देखिए, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एवं NDA सरकार में जो मंत्री हैं, वो आज आपातकालीन बैठक बुलाए, जहां वो घोसी लोकसभा चुनाव को हारने के बाद आज मऊ में पहली बार बैठक बुलाए हैं और अपने कार्यालय पर पहुंचे हैं और नेताओं को पहुंचने के लिए बुलाया गया है। हालांकि उनके बेटे जो अरविंद राजभर थे, मऊ से लड़ रहे थे और हार गए, तो उसी की समीक्षा बैठक करने के लिए मऊ पहुंच रहे हैं। 11 बजे बुलाया गया सारे नेताओं को और सारे नेताओं को आदेश भी दिया गया कि साथ जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। एक वजह ये भी बोली जाती है कि ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की वजह से भी ये सीट गंवाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए वो ओम प्रकाश राजभर कहीं भी मंच लगाते थे तो हाँ, चाहे बीजेपी नेताओं के पक्ष में और चाहे सरकार के खिलाफ बोलते रहे, जिसका खामियाजा ओम प्रकाश राजभर को भोगना पड़ा, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं नाराज हो गए और जनता भी इनके बड़बोलेपन से काफी चर्चा में थे, जिसको लेकर कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उसी को लेकर जनता नाराज थी और जिसको लेकर उनको ये खामियाजा अपना कर घोसी लोकसभा हारना पड़ा। ठीक है अभिषेक राय, इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी ने जो सीटें गंवाई हैं उन पर बवाल कट रखा है। मुजफ्फरनगर से हार को लेकर संजीव बालियान का एक बड़ा आरोप सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई पार्टी के कुछ लोगों ने खुलेआम समाजवादी पार्टी की मदद की है। साथ ही संजीव बालियान ने पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। संजीव बालियान अपनी सीट हार चुके हैं, अब इस हार का ठीकरा वो अपने ही पार्टी के और नेताओं पर फोड़ रहे हैं। संगीत सोम का उन्होंने नाम लिया है। अब देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है संगीत सोम के द्वारा, जिस पर जो आरोप लगाए गए हैं, जवाब उन आरोप पर देंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मंत्री, चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, तो संजीव बालियान के इन आरोपों के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन पूर्व विधायक संगीत सोम के विधानसभा सर्धना के आंकड़े आपको बताते हैं, जहां समाजवादी पार्टी को बीजेपी से करीब 60 वोट ज्यादा मिले हैं। सर्धना से समाजवादी पार्टी को 80,826 वोट मिले और बीजेपी जिनको 80,781 वोट मिले। संगीत सोम के गाँव आलमगीरपुर में और फरीदपुर में बीजेपी को 148 वोट और समाजवादी पार्टी को 153 वोट, यानी कि संगीत सोम के गांव में बीजेपी की हार हुई है।